जल गंगा संवर्धन अभियान में सहभागिता एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए नजर आ रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज यहाँ पर तीन गजल के माध्यम एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें रीवा के इस पावन धरा पर पवित्र भूमि पर। समय कम है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हमें करना है। मैं चाहूंगा गजमाला के माध्यम से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। रीवा मंडल के शिवम द्विवेदी, प्रकाश सोनी, शेखर सचदेव और डॉक्टर भूपेश सिंह साथ में आप सभी इतना तालियां बजाइए। समय की कमी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास, स्वागत का एक लंबा क्रम था, समय की कमी कारण इसको विराम यहाँ पर दे रहे हैं और मैं निवेदन करूंगा अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी और साथ ही साथ अन्य से आप मंच पर बैठे सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत कर लें। और मैं स्वागत और उद्बोधन के लिए माननीय सांसद महोदय आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए और मैं उन्हें स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करूंगा। माननीय सांसद महोदय, रीवा के आधुनिक शिल्पकार, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र चुगला जी, विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय गिरीश गौतम जी, आदरणीय विराज सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय नीता कोल जी, सिद्धार्थ तिवारी जी, मंचा सिंह, सभी हमारे नेतागण और मित्रों, 3 मिनट का वो लग रहा था, 1 मिनट तो होगा, 2 मिनट और बाकी। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने रीवा जिले को 9 लाख एकड़ जमीन को सिंचित करने का जो संकल्प लिया है उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक विकास मंजूर की है और मुझे पूरा भरोसा है कि 3-5 साल के अंदर इस जिले का, इस रीवा लोकसभा का 9 लाख एकड़ जमीन के में 1-1 इंच में पानी पहुंचाने का आपने काम किया। दूसरा, आज आपने जो बड़ी सौगात दी हमें रीवा में एयरपोर्ट पूरा हो चुका है, आज एयर टैक्सी प्रारंभ करके आपने रीवा वासियों की सदियों से बढ़ती हुई इच्छा का साकार रूप देने का काम किया है। इसलिए मैं पूरे रीवा लोकसभा की जनता की ओर से, रीवा लोकसभा के लोगों की ओर से आपको सबसे अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। महोदय, आपने जलगंगा संवर्धन अभियान चला करके जो पुराने जलाशय थे, जो संरचनाएं, जो जल संरचनाएं थी, उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का जो अभियान लिया वो वास्तव में स्तुति योग्य है। आज यहाँ लक्ष्मण राम मंदिर में, जहाँ राम दरबार के सामने आप उपस्थित हुए, उसके लिए निश्चित रूप से आपका जो अभियान है, भगवान राम, लक्ष्मण, राम दरबार आपको पूरी तरह से आशीर्वाद देगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक रीवा जिले का सवाल है, 960 नए कामों के लिए आप यहाँ जल संरचनाओं के संरक्षण का काम हो रहा है, नवीन कार्यों में 533 कुल नवीन कार्य लिए जा रहे हैं, नगरी क्षेत्र में 342 काम लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपने जन संरक्षण के साथ ही साथ पौधारोपण का जो अभियान चलाया है वो निश्चित रूप से आगे आने वाले वर्षों में जन संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा काम होगा। महोदय, यहाँ पर तालाबों के तौर पर सुविधा है और
आगे बढ़ाते हुए 1130 के तालाबों का निर्माण करने का पूरा लक्ष्य रखा गया है। 352 डैम हार्वेस्टिंग का काम यहाँ पर होने जा रहा है। 157 नदी नालों को पुनर्जीवित करने का काम भी आपके इस अभियान के द्वारा लिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में ये काम हो रहा है। इसके साथ ही महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निरंतर वर्षा से बाढ़ से बचाने के लिए 100-150 साल पहले बिछिया नदी में फसैया बांध, चौराहा एवं सगा बांध और बिहार नदी में निजी बांध का निर्माण कराया गया। इनकी हालत जीर्ण शीर्ण है और इसका प्रस्ताव भी यहाँ से भेजा जा चुका है। इन मांगों को अगर बहुत थोड़ी आज में 100 करोड़ रुपए अगर लगा देंगे तो आप सैकड़ों करोड़ रुपए की संरचनाओं का समर्थन आप कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से रीवा लोकसभा की जनता की ओर से, रीवा के मतदाताओं की ओर से आपका प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जिस तरह से रीवा को पूरी तरह से विकसित करने का संकल्प लिया है उसे आप लक्ष्य तक पहुंचाने में कार सफल हो गए। इन शब्दों के साथ इस पर आपको काम करने की शक्ति दे, आपका आत्मों का आशीर्वाद बनाए रखे। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। अपना पंचे अमका फेर के तिसरैया जितान, ऐसे अपना पंचन के गोड़े के धूल अपने मुंह लगा के अपना धन्यवाद दे। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय, आदरणीय से जनार्दन जी। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज रीवा जिले को जो अनुपम सौगातें दी जा रही हैं विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण डिजिटल तरीके से करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। आज कुल 70,91,00,000 के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। आप जोरदार तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए। आज तो 48,02,58,000 कार्यों का भूमि पूजन और 22,89,14,000 कार्यों का लोकार्पण किया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम से। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय रीवा जिले को इस अनुपम सौगात को भेंट करने के लिए। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूंगा जिसने इस रीवा को राष्ट्र का गौरव बनाने का संकल्प लिया है, रीवा को विकास के असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लेने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, रीवा के विकास पुरुष आदरणीय श्री राजेंद्र सुबेल से निवेदन है कि आप कृपया समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने छोटे से कार्यकाल में इस प्रकार के काम किए हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाने में जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में है। आप सबसे निवेदन है जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं और संसद में लगातार रीवा में रेल, हवाई जहाज, अन्य चीजों के लिए पहल करने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक आदरणीय गिरीश गौतम जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, हमारे प्रभाव क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय देवराज सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी मनगवा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी त्योथर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी श्रीमती नीता कौल जी, मंच पर उपस्थित सभी पूर्व विधायक श्यामलाल जी, पंचोराज प्रजापति जी, आदरणीय पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह जी, आदरणीय वेंकटेश पांडे जी नगर निगम के स्पीकर, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और संस्कृत परिषद के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अंजलि प्रसाद पांडे जी और ब्रह्म कुमारी आश्रम की यहाँ पर बैठी हुई हमारी बहने हैं निर्मला बहन जी और सभी उपस्थित माताएं बहने और बंधु, आज मुख्यमंत्री जी आप ऐसे पवित्र स्थान पर आए हैं लक्ष्मणवाद संस्थान के, जिसकी ये मान्यता है कि हमारे विभिन्न क्षेत्र के लोग